ऊपर लाइट के इस तरफ, थैंक यू सर। सवाल ये कि कभी आप लोगों का किसी ठग से पाला पड़ा है असल जिंदगी में? जी अमित जी और आमिर सर। सर पहले आप बोल दीजिए। देखिए ठग जो है ना वो अलग अलग रूप में होते हैं, तो हम सब ने अनुभव किया आई थिंक ठगों को अलग अलग जगहों पे अलग अलग मोमेंट्स में, तो वो एक्सपीरियंस शायद हम सब सभी को हुआ है। अमित जी आप कुछ? वो जो इन्होंने कहा सही है। अच्छा अमित जी, इसके बाद आप झुंड पे झुंड की तरफ रुख करने आए हैं, जरा उसके बारे में अगर आप कुछ कह सकें। सर वो नागराज जी की फिल्म है झुंड, और बस जैसे ही ये फिल्म रिलीज होगी उसके बाद उसमें काम शुरू होगा नवंबर में ही, और एक रियल लाइफ स्टोरी है ये। बरसे साहब हैं जिन्होंने, जो लोग अंडर प्रिविलेज बच्चे होते हैं या जो चौल वगैरह में रहते हैं या जैसे धारावी में बच्चे हैं जो कि गलत दिशा में जा रहे हैं, उनको लेकर के उसने एक फुटबॉल टीम बनाई, और जब से मैंने उसकी चर्चा की तब से आमिर भी बहुत आग्रह कर रहे थे कि सर आप ये फिल्म ज़रूर कीजिएगा, और जब भी आमिर साहब किसी चीज़ को एंडोर्स कर देते हैं तो आप समझ जानते हैं कि क्या होता है, तो वो करने जा रहा हूँ। आमिर सर आपके राइट में। हाँ जी जी जी। आज एक बहुत ही बड़े ब्लॉकबस्टर मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ है, पहले से ही ब्लॉकबस्टर हम कह रहे हैं उसको। कल एक ब्लॉकबस्टर फोटो रिलीज हुआ था आपका रणबीर, दीपिका और शाहरुख के साथ में, वो भी बहुत वायरल हो रहा है जो करण जौहर ने शेयर किया, और हम सबको बड़ा दुख है कि हमें बुलाया नहीं गया। और कटरीना और मैं यही बात कर रहे थे कि यानी हमको डिमोरलाइज करने से पहले ये बात बोल देनी चाहिए, छोड़ दी इन्होंने अभी जो हम लोग वहां इंतजार कर रहे थे। भाई साहब वी आर ऑल वेरी अपसेट दैट वी वर नॉट कॉल्ड। आपका सवाल क्या था? कि आज एक ब्लॉकबस्टर मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ है, कल वो ब्लॉकबस्टर फोटो रिलीज हुआ जो बहुत ही वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर जी। जो करण जौहर ने शेयर किया, शाहरुख आप रणबीर दीपिका सारे एक ही फ्रेम में हैं जी, जी, जी। तो कुछ कहना चाहेंगे, कैसा रहा? बस हम लोग कभी कभी मिलते हैं, मजा आता है, हम लोग वक्त साथ बिताते हैं। माय क्वेश्चन इज टू कैटरीना कैफ, कैन यू हियर मी? साउंड्स लाइक ब्रॉडकास्ट फ्रॉम द रेडियो बट एनीवे। या डेफिनेटली right there, okay. Yes, can you hear me? No, thank you. Thanks. Okay, so my question is to Katrina Kaif. Katrina, you know, we saw you prepare for your role for Tigers in the Hair, and it was absolutely fabulous considering the kind of hard work that you put into that action sequences, doing them yourself. But we were actually expecting you when Tugs was announced that you would be doing the same here as well. But it doesn't look like it. Did you miss out on it, or is this a suspense that will be unveiled later? Well, I think each film has a different character, and every film we look for something different. So what I'm doing in Thugs is very, very different from Tigers in the Hair. That was a completely separate film. That was an action franchise. In this film, my role is definitely less of the action and more of the other elements that are required for a film like this. So in terms of action training, it wasn't much required, but there was a lot of other kinds of work we've put into the role for this particular film. Fatima, my next question is to you. I mean, you're the youngest in this cast, and but all three of them bring this fabulous work ethics to the set. Yeah. What did you sort of learn when you have Amit the perfectionist, you have Katrina Kaif, and of course, Mr. Bachchan? Every day for me was going to a school, because I was learning so much. And when I first saw Sir Bachchan Sir, मैं चुप हो गई, मैं कुछ बोल नहीं पाई, मैं कुछ मतलब I couldn't say it back then, but I'm a big fan. यहाँ तो कितना बात कर रहे हैं आप? Sir, but हमारा एक scene हुआ था जहाँ पे हम दोनों एक सीन कर रहे थे, एंड आई वॉज गिविंग रिएक्शंस टू दैट न्यू सीन, सो आई वॉज गिविंग रिएक्शंस, एंड मतलब मेरे ऊपर कैमरा नहीं था, बट इवन देन आई स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज आई वॉज गेटिंग अफेक्टेड बाय हाउ ही वॉज परफॉर्मिंग, एंड फेल्ट लाइक ही वॉज एक्चुअली सेइंग दोज थिंग्स टू मी, एंड ही वॉज, बट
you know. So it's har roz wo abhi bhi utni dedication ke sath sab log kaam karte hain aur mujhe lagta hai ki I have to learn so much, I have to bring in so much because they've done so much, but I'm scared that I might not be able to match to any of them. But yeah. Fabulous answer. Thank you. Mera sawal Amit sir aur Rami sir dono se center se. Sir, jaisa ki sabhi jante hain ki film jab shuru hoti hai ek disclaimer aata hai, likha hua hota hai ki ye film ek kalpnik hai aur ye kisi samudaya ya vyakti ko thos nahi pahunchati, thes nahi pahunchati. तो क्या आपको नहीं लगता सर इस फिल्म के टाइटल से और फिल्म से जो हिंदुस्तान के रियल ठग्स हैं उनको ठेस पहुंचती है? वाओ वाओ वाओ, उस सवाल के लिए तालियां हो जाए, बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर. सर आपको बताना पड़ेगा कि ये किस ओर आपका ध्यान जा रहा है. दरअसल ये फिल्म ठग्स को सेलिब्रेट करती है, तो आई थिंक दे विल बी हैप्पी. For more updates, subscribe to our YouTube channel and download our Android app. Movie 9 PM.